Hello everyone, welcome to Amul. I am Meenu Mik, owner of Cooking Airport. आज मैं आपके साथ एक और स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जिसको हम अमूल चीज़ के साथ बनाएंगे। हम उसके बीच में चीज़ स्लाइस भी डालेंगे और अमूल चीज़ भी डालेंगे। आज हम बना रहे हैं चीज़ मैक्रोनी, जिसके लिए हमने ये छोटे साइज़ की मैक्रोनी ली है। बहुत बड़े साइज़ की नहीं लिया है, छोटे साइज़ के लिए हमने मैक्रोनी। मैक्रोनी को बहुत तरह से बनाया जाता है। आप वाइट सॉस मैक्रोनी बना सकते हैं, टोमेटो मैक्रोनी बना सकते हैं, मसाला मैक्रोनी बना सकते हैं। आज हम इंडियन स्टाइल में चीज़ मैक्रोनी बना रहे हैं। आज इसे हम आपको कैसे बॉयल करते हैं इसका बहुत ही ईजी तरीका बताएंगे, बहुत ईजी वे बताएंगे कि इसको कैसे बॉयल करते हैं। हम इसे कुकर में आपको बॉयल करने का तरीका बताएंगे। कुकर में हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके बीच में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक चम्मच हम इसके बीच में ऑयल डाल देंगे। कोई भी ऑयल आप डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आप जब मैक्रोनी को बॉईल कर रहे हैं तो कुकर में पानी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप पहले मैक्रोनी डाल देंगे तो वो मैशी हो जाएगी। थोड़ा सा हमें पानी कम लग रहा है, हम पानी थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें। पानी को हम अच्छे से बॉईल होने के होने देंगे। इसके बीच में डाल रहे हैं हम कुछ वेजिटेबल्स। कॉर्न डाल रहे हैं हम इसके बीच में। ये पीले शिमला मिर्च है, लाल शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च भी है। इसके बीच में हमने रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, ये कॉर्न है जिसे हमने बॉईल कर लिया पहले से ही, और मशरूम है। आप इसके बीच में कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। एक थोड़ी सी हमने हरी शिमला मिर्च भी लिया है। एक छोटा सा हमने प्याज लिया है इसमें, और ये गार्लिक है, लहसुन, इसको भी हमने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। कुकर लेंगे हम। कुकर में अब हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विसल निकाल देंगे। विसल के साथ कभी भी मैक्रोनी पास्ता को बॉईल नहीं करना चाहिए। पानी गर्म हो चुका है, इसके बीच में हम ये मैक्रोनी डाल देंगे। हल्का सा हम हिला लेंगे इसे, जिससे ये एक जगह पर एक साथ इकट्ठी ना हो। आप देखेंगे हमने पानी खुला डाला है। पानी आपको इसमें खुला डालना है क्योंकि मैक्रोनी जब बॉईल होगी तो फूल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और इसे हम बंद कर देंगे। साथ के साथ हम इसका मसाला भी बनाने के लिए रख देंगे। कुकर को हम पीछे रख रहे हैं और आगे हम अपना पैन रख रहे हैं। पैन में डालेंगे हम सबसे पहले अमूल बटर। एक चम्मच हम ऑयल डालेंगे जिससे हमारा बटर जले नहीं। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके बीच में डाल देंगे हम सबसे पहले गार्लिक, लहसुन। साथ के साथ कुकर में भी ध्यान रखेंगे हम। हमें मैक्रोनी को 3 से 4 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बॉईल करना है। जैसे ही ऊपर
ऊपर से स्टीम आनी शुरू हो जाएगी। आपको दिखा दें, हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे, हम बिल्कुल हाई फ्लेम से हमने लो फ्लेम में कर दिया। 3 मिनट तक हम मैकरोनी को बॉइल करेंगे। इसके बीच में गार्लिक के साथ साथ हम प्याज भी डाल देंगे। फ्लेम हम हाई रखेंगे, साथ के साथ हम इसके बीच में अपनी सारी वेजिटेबल्स भी डाल देंगे। ये येलो बेल पेपर है, रेड मशरूम भी डाल देंगे हम इसके बीच में, और ये हमारे बॉइल्ड कॉर्न है, इसे हम 2 मिनट रुक के डालेंगे। हरी शिमला मिर्च भी इसके बीच में डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे हम सौदे करेंगे। इधर आपको दिखा दें, साथ के साथ हमारे इधर मैक्रोनी भी स्टीम हो रही है, इधर हम उसको बॉईल कर रहे हैं, अच्छे से स्टीम हो रही है। हमने गैस सिम पर रखी है और एक बार हम गैस बंद करके चेक कर लेंगे कि ये बॉईल हो गई है या नहीं हो गया। ये पतीले से बहुत जल्दी हो जाती है बॉईल, आप देखेंगे फूल चुकी है मैक्रोनी बिल्कुल। एक पीस तोड़ कर देख लेंगे। अभी हम इसे 1 मिनट और रखेंगे। जब भी आप कुकर की लिड खोलें तो गैस को हमेशा बंद कर दें। आज की जो हम चीज मैक्रोनी बना रहे हैं वो हम अपने स्टाइल से बना रहे हैं। फ्लेम को हम हाई रखेंगे और सब्जियों को अच्छे से इसके बीच में थोड़ा देर के लिए गलने देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना है। कॉर्न भी हम इसे इसमें डाल देंगे। अब हम आप देखेंगे हम थोड़ी सी मैक्रोनी में कितनी सारी वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। इसके बीच में हम आधा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे। ये मिक्स हब है, पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है, ये भी हम 1 चम्मच डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप देखेंगे कितनी कलरफुल लग रही है ये वेजिटेबल्स। इसके बीच में डालेंगे अब हम सॉल्ट। गैस को हमने कुकर की गैस को बंद कर दिया है। सब्जियों को हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे। और इधर हम अपनी मैक्रोनी चेक कर लेंगे निकाल कर। आपको दिखा देती हूँ मैक्रोनी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है, हमें जैसी चाहिए बिल्कुल वैसी हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा ये मैशी है और ना ही कच्ची है। एक पीस हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं, परफेक्ट। अब हम इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। एक छन्नी में डाल देंगे हम इसे।
पानी डाल देंगे। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है और मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट बनके रेडी है। बस बहुत ज़्यादा हम सब्जियों को नहीं गलाना है, ऐसे ही अच्छी लगती है चीज़ मैक्रोनी में। अब हम इसके बीच में मैक्रोनी डाल देंगे। इसके बीच में हमने टमाटर नहीं डाले हैं। इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे। इसे हम थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। अब डालेंगे हम अपनी चीज। चीज बहुत सारी डालेंगे क्योंकि हम चीज मैक्रोनी बना रहे हैं, तो चीज के लिए कंजूसी नहीं करेंगे। इसके बीच में हम डाल रहे हैं अमूल चीज। आप कोई भी चीज क्यूब्स डाल सकते हैं, चीज स्लाइस डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। इसे अच्छे से फैला लेंगे, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी जैसे ही गर्म होगी मैक्रोनी में। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम चीज स्लाइस, थोड़े से तोड़कर डाल देंगे स्प्रेड करके। और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे, लिड लगा देंगे और सिम पर 2 मिनट के लिए इसे मेल्ट होने देंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसके बीच में चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। वैसे हमने जो ये मिक्स डाला था, इसके बीच में सब कुछ होता है, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है तो इसके बीच में सब कुछ होता है। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल दें या फिर चिली फ्लेक्स डाल दें, काली मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें।
इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे सिम पर। हमने इसको सिम पर छोड़ दिया है, तब तक आप देखिए हमने अमूल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो सभी बहुत अच्छे हैं। बस हमारी अब मैक्रोनी भी बनकर तैयार होने वाली है 2 मिनट में। आपको मैं खोलकर दिखा देती हूँ, देखो कितने अच्छे से मैक्रोनी में चीज मेल्ट हो रखी है। वाओ, इसे हम सर्व करेंगे एक बाउल में। गैस को बंद कर देंगे, हमारी मैक्रोनी बनकर बिल्कुल रेडी है, चीज मैक्रोनी। आप इसके बीच में जितनी मर्जी वेजिटेबल्स डालें, बहुत अच्छी लगती हैं इसमें सारी सब्जियां। बस आप, हमने ये चीज़ मैक्रोनी अपने स्टाइल में बनाई है। आप कुकिंग एयरपोर्ट में और भी बहुत सारी रेसिपीज देख सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स की रेसिपी डाली है मैंने फेसबुक पेज में। आप हमारे इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ आपके लिए अमूल में भी लाते रहेंगे। और अमूल के प्रोडक्ट देखेंगे आप, हमने लास्ट टाइम इसके साथ भी हमने एक रेसिपी बनाई थी स्वीट की, डेजर्ट की, और काफ़ी सारी हमने रेसिपीज अमूल के साथ ट्राई किया। हमने एक कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लिया था जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी थे। बस लीजिए, बनकर तैयार है हमारी चीज़ मैक्रोनी।